हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लैश ऑफ क्लैन का सबसे हार्डेस्ट चैलेंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही हार्ड चैलेंज होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम ट्रूप्स का यूज करना है और यहाँ पे बहुत सारे इन्फर्नो है, साथ ही बहुत सारे डिफेंसेज है जो की मैक्स लेवल के है। लेकिन मैं इस पे सिर्फ हीरोज और स्पेल्स का यूज करके 100% करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले अर्थक्वेक स्पेल को टाउन हॉल के पास डाल देना है, उसके बाद ग्रैंड वार्डन को इस आर्चर टावर के पास डाल देना है ताकि इसको बड़े जल्दी से खत्म कर दे, और दूसरे साइड से क्वीन को एक ड्रुइड ट्रूप के साथ डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक वॉल ब्रेकर यूज करना है। वॉल ब्रेकर यूज करते ही उसके बाद आपको आरसी यूज करना है और उसके साथ एक जैंट को भी यूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रेज स्पेल डाल के और उसके बाद फ्रीज स्पेल डाल के आरसी का पावर दे देना है, जिससे कि ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा एरिया, और उसके बाद आरसी दूसरे साइड भी बढ़ जाएगा। और अब यहाँ पे जैसे ही ग्रैंड वार्डन इधर आता है, आपको इसका एबिलिटी दे देना है ताकि टाउन हॉल को ये बड़े आसानी से टेकआउट कर सके। और यहाँ पर आपको एक इनविजिबिलिटी स्पेल डाल देना है ताकि ग्रैंड वार्डन बचा रहे। और दूसरी साइड से आप देख सकते हैं कि आरसी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आरसी की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। अब बस आपको क्वीन की तरफ ध्यान देना है और यहाँ पे अपना किंग भी डाल देना है ताकि टाइम से पहले बेस कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे ये लोग बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से 2-3 गोब्लिन डाल देंगे ताकि और भी जल्दी कम्प्लीट हो जाए। और यहाँ पर एक वॉल ब्रेकर डालेंगे ताकि यहाँ पर एंट्री बन जाए इसका। और इसमें मैं ओवरग्रेथ स्पेल यूज नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही किंग पहुँचता है, उसका एबिलिटी यूज कर देना है और यहाँ पे 2 स्केल्टन स्पेल डाल देना है। उसके बाद ये एरिया भी पूरा कंप्लीट कर लेगा, किंग अकेले ही सारे को डिस्ट्रॉय कर देगा। और क्वीन भी यहाँ पे सारे, फिर क्वीन, ग्रैंड वार्डन और किंग सारे लोग एक ही जगह आ जाएंगे। उसके बाद अब बचा है 2 एक्सपो बचा है और एक आर्चर टावर बचा है, लेकिन अभी भी एक स्केटर शॉट और एक और आर्चर टावर बचा है जो सेंटर में है, तो भी बड़े आसानी से टेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे जाइंट यूज कर लेते हैं आर्चर टावर के पास। तो अब मेरे पास सिर्फ ओवर के स्पेल बचा है, बाकी जो सारे स्पेल से वो ख़त्म हो चुके हैं और सिर्फ मेरे पास बारबेरियन और गोब्लिन बचा है। लेकिन अभी भी वॉल ब्रेकर बचा है एक, तो इसका यूज ज़रूर करेंगे। तो सारे बारबेरियन को आपको डाल देना है ग्रैंड वार्डन के स्टेचू के पास ताकि ग्रैंड वार्डन को ख़त्म कर दे। उसके बाद आपको 1-2 को डाल देना है क्वीन के पास ताकि थोड़ा इधर उधर ध्यान भटके रहे उस क्वीन का। और यहाँ पे अब सारे ट्रूप्स ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ किंग बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वॉल ब्रेकर, जो कि आरसे टावर को बड़े आसानी से ख़त्म कर देगा। तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं इसको। और अब टाइम बहुत ही कम बचा है, लेकिन टाइम से पहले ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक बारबेरियन डाल देते हैं ताकि उधर का जो एक बिल्डिंग है उसको ख़त्म कर दे। और यहाँ पे जैसे ही आर्चर टावर ख़त्म होता है, ये बेस भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत ही आसानी से कम्प्लीट हो गया है, क्योंकि मैं इस पर एक भी गोब्लिन और बारबेरियन के साथ ग्रोथ स्पेल भी नहीं यूज़ किया हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपने इसे कम्प्लीट कर लिया है या नहीं।